अच्छा भाई निकल जा, बस भाई जूते ना जाए, मेरे जूते भीग गए तो पानी खराब हो जाएगा। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो आप देख रहे हो episode 3। तो भाई हम लोग ये यहाँ पे उत्तराखंड में, उत्तराखंड की वादियों में, जरा उधर तो ये वादियाँ आपको दिख रही होंगी। वादियों को देखने के लिए आपको आना पड़ेगा भाई पहले तो उत्तराखंड, और उत्तराखंड में कहाँ, मुनस्यारी। तो मुनस्यारी अभी तो यहाँ से 100 किलोमीटर रह गया है, अभी वहाँ की व्यू तो अलग ही है यार। तो अभी तो हम हैं लोहा घाट से दूर आए थे पिथौरागढ़, ये पिथौरागढ़ आ चुके हैं। पिथौरागढ़ हमने क्रॉस कर दिया ना, तो पिथौरागढ़ हमने क्रॉस कर दिया, अभी 5 किलोमीटर पिथौरागढ़ से निकला है। पीछे मार्केट था, बहुत ज़्यादा रश था, पिथौरागढ़ में हम रुके नहीं। हमने सोचा कि पिथौरागढ़ में रुकेंगे, लेकिन हम अभी चल रहे हैं, अभी शाम के 3:30 बज रहे हैं और अंधेरा शायद हो जाएगा हमें 2-2.5 घंटे बाद। बादल भी हैं साइड, कहीं बादल हैं कहीं धूप हैं। तो भाई ये VTU का, ये जो VTU है इसके लिए जब आए हैं, क्या नज़ारा है भाई, भाई नज़ारा मतलब मस्त है ना, ये देखो भाई भाई। तो भाई जो भी चैनल पे नए हो ना, सब्सक्राइब कर देना भाई, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और बताना भाई कंटेंट कैसा लगा। और अपनी ब्यूटी ये खड़ी हुई है, देखो देखो एक अपनी ब्यूटी ये है, ये जो भाई कैमरे के पीछे है ये भाई की है, और अपनी डोमिनार खड़ी हुई है, ये देखो लगी है, देखो किस तरह से लगा हुआ है। तो भाई पीछे ब्यूटी के साथ मैंने फ़ोटो क्लिक कराया था, अल्टीमेट आया, मज़ा आ गया। और भाई अभी आगे चल रहे हैं, अगर हमें लगा कि हम मुनस्यारी पहुँच सकते हैं अगर शाम से पहले तो चले जाएंगे। जल्दी जल्दी से आ जाओ, सिनेमेटिक शॉट देख लो आजा। देखो इधर धूप आ रही है, उधर उस पे छाया है, उधर देखो यहाँ का ये नेचर है। तो सूरज जब पीछे चला जाता है तो ऐसे होता है भाई, टेढ़ी मेढ़ी गली देखो भाई, ऐसे है ऐसे है। सामने रोड को देखो, ये तो भाई इतनी नीची यहाँ पे वो जा रही लाइन तेरी। ये 108 किलोमीटर है, ओगला 63, पिथौरागढ़ 15 किलोमीटर है। तो भाई ये जो आप नज़ारा देख रहे हो आगे से, ये कैसे आया है भाई, व्हाट अ व्यू। तो भाई लोग ये जय गुरना माता की, यहाँ ये मंदिर है जय गुरना माता की, यहाँ पे बोलते हैं जय मुन्ना माता, जय माता की। तो भाई यहाँ पे इस तरह से लोगों ने झंडी वगैरह बांध रखी है, और मैं देखो घंटे भी लटके हैं। तो ये ऐसा एक मंदिर है यहाँ पे, जय माता गुरना माता, अच्छा जी गुरना माता है, अच्छा मुझे एक लावा, अच्छा। तो भाई ये पिथौरागढ़ से 12 किलोमीटर ही है, 12 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। तो भाई लौट के आया इसको दिखाने के लिए, चलो भाई फिर चलते हैं। पीछे नीचे खाई है, और तुम्हारा भाई यहाँ पे, यहाँ देखो भाई कहाँ होके जा रहा हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, हेलो, मुनस्यारी के लिए रोड कौन सा वाला है? मुनस्यारी का नाम तो यहीं से जाके ऊपर से आएगा, पीछे जो गया था ऊपर वाला, यहाँ से यहाँ से निकल जाएंगे।
अच्छी। भाई अपना यहाँ काम चल रहा है भाई, भाई वाटर रोड, भाई ये काम चल रहा है इधर। और अपना ओ तेरी क्या व्यू है, व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू भाई, लोग मजा आ रहा भाई, इस व्यू को एंजॉय करो भाई, आप लोग एंजॉय करो, क्या व्यू है, क्या वैली है, मजा आ रहा है ना देखने में। तो भाई अभी हमें चलना है लगभग अभी 110 किलोमीटर लगातार कंटिन्यू राइड करनी है, इसीलिए हम ज़्यादा कुछ रुक नहीं पा रहे ज़्यादा देर के लिए। भाई क्या पतरा रोड है ये देखो, ये व्यू एंजॉय करो भाई, एंजॉय करो, खतरनाक है ना, ओ तेरी फटा व्यू यार। भाई आप देख रहे हो पतली सी रोड है और मैं यहाँ कहाँ से कट मारना, एक एक नजर गई थी नीचे, बिल्ली रास्ता काट गई भाई अपना। तो एक समोसा खाया है और एक चाय चल रही है। पिथौरागढ़ से लगभग 15 किलोमीटर अभी आए होंगे हम, तो ये गांव है, ये अच्छी ब्यूटी है, रास्ते में बहुत एंजॉय करते हुए आ रहे हैं, बहुत सारे हमने वीडियोस बनाए, हमारे आपसे एक भाई ने हमारे शॉट लिए वीडियोस के, बहुत लागत लगी है भाई इस ब्लॉग में, ऐसा आदमी हमारा वो वीडियो बना रहा है, फोटो खींचता है ना, 20 खींचता है तो 2 अच्छे निकलते हैं मेरे भाई के। भाई रात में राइड नहीं करनी, रात में राइड करना रिस्क है, साथ में तो करेंगे, चाहे भले मुंसारी से 15 किलोमीटर पे रुक जाए 20 किलोमीटर, तो चाय पीने के बाद आपसे फिर मिलेंगे कंटिन्यू राइड पे। ओके बाय बाय। तो भैया थोड़ा हवा चेक करा दें, और ये जो व्यू भाई मज़ा आ रहा है। हाँ कहाँ आ गए भाई, कहाँ सर, कौन सा गांव पड़ता है, क्या है, ओकला, तो ये वही जगह है ओकला, तो यहाँ पे जरा अपना एयर प्रेशर चेक करा लें बाइक का। तो भाई बहुत टाइम हो गया जब से निकले हैं, चेक ही नहीं कराए हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा इनके साथ, इन भाई को भाई ज़रूरत है। जगह नहीं है तो बैठा लेता, वो ले लेते क्या कहते हैं, कोई गाड़ी जाएगी वो बैठाना, ठीक है पीछे ना लगे थे यार, ठीक है भाई, मुझे बुरा लग रहा है इनकी हेल्प नहीं की मैंने यार, लेकिन पीछे बहुत सारा सामान है और मुझे सब उठाना पड़ेगा यार, और यहाँ ज़्यादा 2-3 किलोमीटर तक जाना है, मैंने कहा पीछे कोई गाड़ी आ रही होगी तो उसमें बैठ जाना। तो भाई बारिश का टाइम है और बारिश हो सकती है, मुझे लगता है बस बारिश ना हो ना अभी तो हम कवर कर लेंगे, अगर बारिश होगी रास्ते में कहीं तो हम बीच में बहुत बुरे फंस जाएंगे और फिर पहुँच नहीं पाएंगे उनसारी, और मैं नहीं चाहता कि उससे पहले बारिश हो, हम निकल रहे हैं पहुँच रहे बस, अभी बादल हो रहे हैं, बारिश कभी भी हो सकती है। भाई उत्तरी, तो भाई शाम के बज रहे हैं 6:30, अब रह गए सिर्फ 60 किलोमीटर करीब रह गए हैं, और टाइम है हमारे लिए 2 घंटे का, 2 घंटे का टाइम बता रहा है गूगल मैप, और अभी 6 बज रहे हैं, 7-8, 8:30 तक पहुंच जाएंगे हम मुंसियारी। भाई ऐसा कुछ सीन है, यहाँ पानी टपक रहा है ऊपर से, ये देखो भाई पूरा ये रोड जो गीला पड़ा है, तो ऊपर से ये पानी आ रहा होगा कहीं कहीं से, तो यहाँ पे भी पत्थर वत्थर गिरने का थोड़ा टेंशन रहती है। तो भाई ये है छोटा सा वाटरफॉल, और ये अपने ट्रिप की पहली वाटर क्रॉसिंग, तो भाई रात में ज़्यादा दिख तो नहीं रहा होगा, इधर देखो भाई कोई रिवर है ये, तो यहाँ से जा रही है यहाँ वाटर क्रॉसिंग। भाई नहीं 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 ओह तेरी पानी में जल्दी, ओह ओह तेरी, यहाँ देखो भाई क्या नदी चल रही है, ये क्या रिवर है, मस्त है ना भाई। अब ठंडी बढ़ गई है, अपन को लग रही है ठंड, और रोड बहुत ही डेंजर है, ये बहुत ही पतला रोड है, ये देखो भाई अब कहाँ से जाना है ये पता नहीं, आगे आगे पता चलेगा।
बहुत देरी है। तो भाई यहाँ पे चल रहा है काम, एक यहाँ पुल बनाया जा रहा है लगता है। भाई पूरा रोड खराब है, तो देखिए कैसे जाऊँगा। ये देख रहे हो एडवेंचर कितना कर रहा हो रहा है, यहाँ पूरा रोड खराब पड़ा है, इसी की बोल रहे थे रेड अलर्ट है। भाई ये देखो भाई, भाई मैंने इस पर पन्नी लगा ली है माइक पे, इस पर गोप्रो पे, तो ज़्यादा साफ नहीं आ रहा होगा भाई, बारिश हो रही है। और ये देखो रास्ता देखो कैसा है, निकल जा भाई निकल जा, बस भाई जूते ना जाए मेरे, जूते भीग गए तो कहानी खराब हो जाएगी। ओ तेरी, ओ माई गॉड, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, पैर गया, जूता गया। अभी यहाँ से निकाल रहे हैं भाई, पूरा लैंडस्लाइड एरिया है और रात का टाइम है, और यहाँ पहले ही लैंड स्लाइड हो रही है भाई, मिट्टी की वजह से यहाँ हो गई फिसलन। ओ तेरी भाई, ये मुंशियारी बड़ा हमें तगड़ा बनने वाला है। ओ तेरी भाई, निकल जा निकल जा, निकल गई निकल गई। अरे तेरी आगे और मिट्टी खराब है। अबे यार आगे तो पानी खराब है भाई, ये बारिश होगी ना इसकी वजह से फिसलन हो गई भाई यहाँ पे बहुत। तो मैं चाहता नहीं हूँ बाइक गिर जाए, बाइक गिर जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। निकल जा भाई निकल जा, भाई पूरा कीचड़ है, फिसलन हो रही है भाई, निकल जा भाई निकल जा। निकल गई निकल गई। अब आगे क्या है, आगे भी क्या ऐसा है, आगे नहीं है। चलो भाई निकल गई। ओ तेरी, भाई ये देखो, ओ तेरी, हाँ निकल गई अपनी डोमिनार। भाई बचा लेना तू ही है अपनी जान यहाँ पे इस टाइम। भाई अपनी डोमिनार हमें बचाए पड़ी है, वरना ये नहीं है तो कुछ नहीं है। कैसी कैसी जगह होकर निकल रहे हैं हम लोग। भाई लोग अभी यहाँ रुके हुए हैं मुंशियारी से 30 किलोमीटर पीछे, और हम पहुँच जाते हैं अभी टाइम से। तो यहाँ पे बस 30 किलोमीटर का अभी हमारा रह गया है जाने के लिए। बारिश हो रही है तेज, और इसलिए हमने एक ब्रेक ले लिया है, बहुत तेज़ बारिश है। तो अपनी सारी चीज़ें भीग चुकी हैं, और अभी मैगी चाय ऑर्डर किया है, तो यहाँ मैगी वगैरह खा के फिर आगे के लिए निकलेंगे। और 30 किलोमीटर भाई ऐसा लग रहा है जैसे ना 300 किलोमीटर है, क्योंकि बाइक चल नहीं पा रही बारिश की वजह से, फिसलन बहुत है। पीछे जो हमने जब भी निकले थे, एक गांव पड़ा था वहाँ से जब निकले थे, तो इतना ज़्यादा वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है ना, लैंडस्लाइड की वजह से ना पूरा रास्ता बिल्कुल खराब हो चुका है। और वहाँ पे रास्ता जो ख़राब है उस पर से हम निकले थे, वहाँ पत्थर वगैरह पड़े हुए थे और बाइक फिसलने का डर था। बॉर्डर क्रॉसिंग भी कर ली हमने। तो ये भैया यहाँ से हमने अभी ऑर्डर किया है अपना मैगी, और ये हम बताइए भैया देवेंद्र महर। अच्छा भाई थोड़ा उत्तराखंडी मुझे थोड़ा सा समझ में कम आती है भैया। देवेंद्र महर, अच्छा ठीक है भैया। तो अभी मैगी चाय आ रही है, तो चलो भाई अभी फाइनली अभी मतलब यहाँ से निकलेंगे, अभी चाय वाय पी के मैगी खा के। एक आदमी हमारे पीछे कान खा रहा था अभी। नहीं बढ़िया है। अच्छा सर कैसे हैं आप? नमस्ते। आ गई अपनी ये बिना मिर्च वाली, ये भाई बिना मिर्ची खाता है, ठीक है। तो अपनी आ गई है मिर्ची वाली, अपने चल जाती है। तो चाय भी आ गई है, और भाई देखो भाई इनने भी मांग ली। तो भाई बारिश हो रही है अभी, और यहाँ पे अभी हम चाय मैगी चल रही है, कुछ प्लान चेंज हो रहा है बताएंगे अभी ब्लॉग में रहना। देखते रहना वीडियो। हेलो हाँ जी। तो ये अपना एक दोस्त मिल गया यहाँ पे, तो बेचारा ठंड में थोड़ा परेशान है, भीग गया है थोड़ा। देखो तो देख कैसे पूछ ला रहा है, हमें हमारा दोस्त मिल जाता है। तो देखो 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 कैसे आ गया। अरे वाह क्या बात है। अच्छा बड़े से खा रहे तुम तो हैं। तो भाई आज एक नई चीज़ मुझे, मैंने पहली बार देखी है। आज तक कहावत थी, लोग हम सुनते थे कि कभी कुत्ता बिल्ली कभी दोस्ती नहीं होती है। और यहाँ भाई देखो, ये भैया के दो डॉगी हैं, और एक यहाँ बिल्ली भी पालते हैं भैया,
तो ये भी अंदर यहाँ रहती है, साथ में रहते हैं सारे लोग। अब तुम ये देख रहे हो दोनों लोग कितना प्यार कर रहे हैं भाई। ये भैया के हाथ में बिल्ली है और ये दो इनके भैया के कुत्ते हैं यहाँ पे ये भाई। क्या है तो भैया आज है, मतलब जो हम रुके हैं ये आज का हमारा डिनर है। यहाँ भी थाली है लेकिन बहुत टेस्टी है यहाँ का भी खाना। तो भाई एक्सपीरियंस ले रहे हैं। ये दाल है? हाँ दाल है। तो ये थाली में जो आई है ये दाल है और ये सब्जी, आलू की सब्जी। हाँ, आलू बड़ी और लौकी। आलू बड़ी लौकी। तो हेलो भाई लोगों, अपना डिनर हो गया है तो हम लोग यहीं रुक गए हैं। बढ़िया सी व्यवस्था हुई है तो हम जो व्यवस्था है दिखा रहे हैं आपको। ये हमारे लिए टेंट लगाया गया है तो हम तीन लोग आराम से इसमें आ जाएंगे। मस्त लगा हुआ है अंदर, उसमें गद्दा वद्दा लगाया हुआ है। वैसे तो बाहर लगाया हुआ था लेकिन बारिश हो रही है तो उन्होंने कहा भैया बीच नीचे से थोड़ा सा सीलन रहेगा और ठंडी लगेगी ज़्यादा, तो ज़मीन की वजह से यहाँ लगा दिया ऊपर ये। तो यहाँ पर गद्दे वद्दे लगा दिए उसमें अंदर से। बढ़िया टेंट है एकदम से मस्त। तो हमारा टेंट ये गया और इसमें व्यवस्था है बढ़िया सी। ये देखो तकिया यहाँ रखा है, देखो उड़ने के लिए भी है। कंट्रोल भीग रहा हूँ भाई। आई ऐसा क्यों भाई, ट्राउजर के उतारो भाई। वीडियो करता हूँ मैं क्लोज करके। अब सोने का टाइम आ गया, रात के 12 बज रहे हैं। तो भाई लोग सो रहे हैं, मैं भी सोता हूँ। तो आपसे सुबह मिलूंगा मॉर्निंग में, तो पूरा दिन हो गया है बाइक चला चलाते हैं तो थोड़ा सा सो लीजिए। ज़्यादा 3-4 घंटे सुबह में उठना है जल्दी, 5 बजे करीब निकलना है यहाँ से। कोई 30 किलोमीटर यहाँ से मुंशियारी है। तो भाई जल्दी मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ये ख्याल रखना। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।